बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी टाइप के लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए कि इनकम है क्या जब इस अंदाज़ के झगड़े होंगे जहां इंटरप्रटेशन के इश्यूज होंगे टैक्स ला क्लियर नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पेयर के जो है वो व्यूज़ डिफरेंट होंगे वहाँ इस बात का चांस है कि फिर वो लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाएं जिनकी अपनी कॉस्ट होगी टैक्स ला ऐसा होना चाहिए और टैक्स का मेकनिज़म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर जो है वो उनका इस बात पे कम से कम इख्तलाफ हो टैक्स है कितना टैक्सेबल इनकम वो है जिस पे स्टैच्यूट के मुताबिक इस के मुताबिक जो है वो टैक्स लगना है आप सड़क यूज़ कर रहे हैं आपने तो, फी दी ये सिर्फ स्टेट को पे होगा एंड मुमकिन है पे करने वाले को कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल जाए कोई सड़क बन जाए जो उसे फ़ायदा दे दे कोई और ऐसी चीज़ हो जाए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं हूं अज़ीज़ निश्तर मैं प्रोफेशन के लिहाज से कॉर्पोरेट लॉयर हूं और उसमें इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन मेरे दो मेन एरियाज़ हैं जिनमें मैं प्रैक्टिस करता हूं और उससे पहले मैं इनलैंड रेवेन्यू में सिविल सर्विस में पंद्रह साल काम करता रहा आईआरएस में और उस बैकग्राउंड के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूं आज से हम एक शॉर्ट लेक्चर्स की सीरी शुरू कर रहे हैं जो 20 से 25 मिनट के शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स होंगे बेसिकली इन लेक्चर्स का मकसद जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो टैक्सेशन के कोर्स में टैक्सेशन के ला में इंटरेस्ट रखते हों ये उनके लिए होंगे और इसी तरह ये उन न्यू लॉयर्स के लिए जो टैक्सेशन में अपना करियर जो है प्रसू करना चाहते हैं ये उनकी गाइडेंस के लिए होंगे ये एक डिस्क्लेमर मैं इस पर देना चाहूँगा कि ये इसे बिल्कुल इस अंदाज से ट्रीट ना किया जाए इन लेक्चर्स को कि ये कोई टैक्स के ऊपर कोई प्रोफेशनल लीगल एडवाइस है और uh, इसकी बुनियाद पे ए, कोई जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो uh, नहीं कीजिएगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड लॉयर से जो है वो मशवरा करने के बाद जो है वो अपनी ट्रांज़ेक्शन्स को या जो भी आप फैसला करना चाहें वो करें बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी टाइप के लेक्चरस हैं स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए आज हम बिस्मिल्लाह करेंगे बेसिक कुछ टैक्सेशन कॉन्सेप्ट से इन में जो टैक्सेस में भी जो सबसे पुराना टैक्स समझा जाता है वो पैदावार पे या इनकम पे टैक्स है जो सदियों पुराना है और मुख्तल जो है वो हिस्ट्री में मुख्तफ अदवार में मुख्तफ अंदाज से आता रहा बात मजहब ने भी इस पर जो है वो मजहब ने भी इसको सेंक्शन दी जिस तरह इस्लाम में ज़क़़त है वो भी एक जो टैक्स का मेन पर्पज़ होता है कि आपने एक रियासत एक माशरे के जो इजतमाहीखराज हैं उस इजतमाही नज़म को चलाने के उनके लिए ये रेवेन्यूज़ इकट्ठे होते हैं इस्लाम में ज़कवा़त भी उसी तरह की चीज़ें चीज़ों के लिए जमा की जाती है जिसमें आमलिन आमलिन के अलावा जो है स्टेट आ, है जहाद है डिफेंस uh, को ऑर्गेनाइज़ करना है बाकी जो है गरीब गरबा जो डस्टीट्यूट्स हैं उनको और इसी तरह जो नेशनल डेवलपमेंट के काम हैं उनको करने के लिए मॉडर्न एज में टैक्स का के बेसिक प्रिंसिपल जो है वो जिन्हें हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहते हैं वो एडम स्मिथ ने दिए जिन्हें जो है वो चार हैं बेसिकली इक्विटी हो कि जिसमें जो बंदा जितना सारा दे सकता है यानी अपने अखराज वग़ैरह जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं उन्हें पूरा भी करता रहे और वो कंट्रीब्यूशन भी करता रहे इसी लिहाज से जो जो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा होगी आ, वो ज़्यादा प्रपोर्शन में करेंगे क्योंकि उनकी वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जो गरीब गुरबा होंगे पाकिस्तान के आज के जो टैक्स लॉ है इसी तरह दुनिया में भी जो है वो एक एग्ज़म्पन होती है कि जो बिल्कुल थोड़ी इनकम वाले लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे उसके बाद थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता जाएगा ये बेसिक प्रिंसिपल है दूसरा सर्टनटी है कि टैक्स ला ऐसा होना चाहिए और टैक्स का मेकनिज़म ऐसा होना चाहिए कि जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर जो है वो उनका इस बात पे कम से कम इख्तलाफ़ हो कि टैक्स है कितना जब तक ये सर्टेंटी नहीं होगी तो ये होगा कि फिर वो लड़ाइयाँ होंगी और जो अगला प्रिंसिपल है इकोनोमी का कि टैक्स कलेक्शन जो है वो जितने कम से कम खर्चे के साथ हो सके वो हो जब इस अंदाज़ के झगड़े होंगे जहाँ इंटरपटेशन के इशूज़ होंगे टैक्स ला क्लियर नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पेयर के जो है वो व्यूज़ डिफरेंट होंगे वहाँ इस बात का चांस है कि फिर वो आ, लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाएं जिनकी अपनी कॉस्ट होगी और उसकी वजह से डिस्ट्रॉशन भी क्रिएट होगी चौथा जो टेनेंट है वो कन्वीनियंस का है कि टाइम ऑफ पेमेंट बाकी अमाउंट ऑफ पेमेंट इस अंदाज से वो की जाए कि ताकि लोगों को जो है वो खाल उतरते हुए या पर नोचते हुए उन्हें वो तकलीफ ना फील हो तो ये एडम स्मिथ इन्हीं के पे ऊपर जो है वो दुनिया के मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इन्हीं के ऊपर बिल्ड किए गए हैं Uh, जैसे मैंने कहा uh, कि सबसे पुराना टैक्स जो है वो इनकम या पैदावार पे है तो हमारा अगला जो है वो टॉपिक जो है वो यही कॉन्सेप्ट जो है वो यही कि इनकम है क्या दुनिया इसे कैसे देखती है हमारा लॉ कैसे इसे देखता है इनकम एक बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है कि मैं अगर बिजनेसमैन मैन हूँ मैंने किस जो है वो कोई माल खरीदा है उसमें वैल्यू एडिशन किया है वैल्यू एडिशन के बाद सेल किया है तो बेसिकली रेवेन्यू है और उसमें से जब मैं ख़र्चे वर्चे ये जो है ख़रीद के और प्रोडक्शन के बाकी चीज़ों के वो निकाल दूंगा तो फिर आ, जो पीछे बचाएगा जिसे हम नफ़ा कहते हैं उस नफ़े को नॉर्मली दुनिया में इनकम समझा जाता है आ, पाकिस्तान में हमने इस लफ्ज का जो है वो बहुत सारी शकल जो है वो बिगाड़ी है अदालतों और एडमिनिस्ट्रेशन से माफ़ी जो है पेशगी चाहते हुए मैं कहूँगा कि हमने दुनिया में इनकम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए हैं जिसमें जो एडम स्मिथ वाला वही वाला असूल है सर्टनटी वाला उसे तो हमने पूरी फुल्ली जो है ना वो मलियामेट कर दिया है कि अब हर रोज़ एक ही चीज़ पे लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से मेरे जैसे लॉयर्स की फ़ी तो बनती है लेकिन ये कि वो सिस्टम पे एक ड्रैग है हमने जो है विद होल्डिंग मेकानिज़म के थ्रू फाइनल टैक्सेशन मेकानिज़म मिनिमम टैक्स मेकानिज़म के थ्रू हमने हर लिहाज से जहाँ जहाँ से स्टेट को रेवेन्यू मिल सकता है जस्टिफिएबली या मुझे कहने दीजिए अनजस्टिफेबली स्टेट जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए स्टेट की मशीनरी वो काम कर रही है दुनिया में उससे दुनिया में इससे खासा मुख्तलिफ निज़ाम चल रहा है तो जो इनकम है हम उसमें अब हमने रेवेन्यू भी शामिल कर दिया है मुझे टोटल जो है कोई माल बेचने का जितना सारे पैसे मिले हैं वो सारे के सारे को हम रेवेन्यू ट्रीट कर रेवेन्यू को इनकम ट्रीट करते हैं उस पर एक रेट लगाते हैं और मुमकिन है कि मैंने दस लाख का रॉ मटेरियल ख़रीदा पाँच लाख रुपए उसकी फिनिशिंग बाकी चीज़ें उसे प्रोडक्ट जो है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाने तक लेके आया और मुमकिन है वो पंद्रह लाख के खर्चे के साथ चौदह लाख में बिके बिके जो मार्केट कंडीशंस हैं उनके मुताबिक उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है प्रॉब्लम के बग़ैर भी मार्केट कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती हैं प्रॉब्लम मीन के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गया हो तो उसमें आल दो मुझे नुकसान हुआ है लेकिन पाकिस्तान का ला ये कहता है कि मुझे उस चौदह मिलियन चौदह लाख पे वन मिलियन पे जो है वो मुझे एक सर्टन फिक्स रेट से टैक्स पे करना है जो मैं ये समझता हूँ बेसिकली जो इनकम का प्रिंसिपल है उससे हटके है इसमें जो करंट ला जो है ये 2001 में आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हम कहते हैं इसमें भी उस वक्त से लेके अब तक बहुत सारी चेंजेस आ चुकी वो चेंजेस बहुत दफ़ा जो है वो चेंजिंग इकोनॉमी की वजह से ट्रांजैक्शन चेंज की वजह से लेकिन हमने बेसिकली ला के कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें बहुत जो है वो चेंज किया है और दुनिया से हट के कई सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए हैं बहुत सारे चेंजेस उस वजह से हैं उससे पहले 1979 का ऑर्डिनेंस था उसके और करंट ला के जो है असेंशली जो इनकम का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत फर्क फ़र्क है उससे पहले 1922 का ला था जो आ, प्री इंडिपेंडेंस ला था जो 1979 तक चलता रहा उसके बाद यकीन ये कहा जा सकता था सेवेंटी नाइन वगैरह में नए ला की ज़रूरत थी इतने मुल्क नया बन गया इंडिपेंडेंस आ गई मार्केट चेंज हो गई मार्केट में होने वाली ट्रांजैक्शंस चेंज हो गई रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही थी लेकिन जैसा 2001 के बाद लॉ आया है उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन जो है लीगल कन्फ्यूजन जो है वो खासा सारा जो है वो एग्रीवेट हुआ है जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो टैक्स की खासी सारी कम हो गई है और उसमें मेन चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम ही जो है उसकी बार बार जो है उसके साथ ट्वीकिंग है और उसमें बहुत सारी नई चीज़ों को इंक्लूड करते आना है उस वजह से ये खासे सारे चेंजेस आए और उसकी वजह से अदालतों का बहुत सारा काम बढ़ा है और जो टैक्स जो है जो सर्टनटी के साथ रिकवर हो सकता था वो अनसर्टनटी क्रिएट होने की वजह से ये टैक्स बनता भी है या नहीं बनता तो उस वजह से वो डिस्प्यूट में जाके तो वो स्टेट को जो रेवेन्यू भी इकट्ठे होने थे वो डिस्प्यूट में जाके वो स्टे हो गया और स्टेट को रेवेन्यू भी नहीं मिल सके अगला ये इनकम से भी निकलने वाले दो और कॉन्सेप्ट है एक टोटल इनकम और एक टैक्सेबल इनकम बहुत सारी इनकम्स ऐसी हो सकती हैं जो एग्जेम्प्ट हूँ जैसे पाकिस्तान के केस में फेडरल इनकम टैक्स से जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बाहर है सर्टन टाइप की जो है वो कैपिटल गेन जो है आ, कोई ऐसी चीज़ बेची जाए जो कैपिटल एसेट था वो सर्टन टाइप के जो है वो एग्ज़ैम्ट हैं तो इसलिए बिल्कुल ये हो सकता है कि आपकी टोटल इनकम ज़्यादा हो लेकिन टैक्सेबल कम हो टैक्सेबल इनकम वो है जिस पे स्टेच्यूट के मुताबिक इस ला के मुताबिक जो है वो टैक्स लगना है और इसमें दिए गए रेट्स के मुताबिक लगना है और टैक्स के बारे में आ, आ, हमारी कोर्ट्स भी होल्ड कर चुकी हैं और टैक्स का ला का प्रिंसिपल भी ये है कि टैक्स सिर्फ उस वक्त लगता है जब टैक्सिंग स्टेच्यूट जो है टैक्सिंग प्रोविजन जो है वो बहुत क्लियरली जो है वो उस पर टैक्स लगा रही हो जैसे मैं कह रहा था कि बिल्कुल जो टैक्स का प्रिंसिपल है वर्ल्ड ओवर वो ये है कि जो टैक्सिंग टैक्सिंग स्टेच्यूट है वो इतना क्लियर हो कि उसमें ये रास्ता उसकी दूसरी जो है ये जो है वो एक इंटरप्रटेशन ना निकले कि जी ये टैक्स शायद लगना है या नहीं लगना इसलिए हमारी कोर्स भी होल्ड कर चुकी हैं कि उसमें कोई इंटेंडमेंट कोई आर्बिट्रेरिनेस ऐसी नहीं होगी वो बहुत क्लियर वर्ड्स में कहेगा कि ये टैक्स लगना है इसलिए टोटल इनकम में बिल्कुल पॉसिबल है कुछ चीज़ें ऐसी हों मेरी मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आ रही है उस इनकम में कई सोर्सेज ऐसे हों कि जो चूँकि टैक्स टैच्यूट ने टैक्स में नहीं डाले तो इसलिए जो है वो अम, अ, मुझे उस पर टैक्स ना लगे तो इसलिए मेरी टोटल इनकम और मेरी टैक्सेबल इनकम जो है ये दो अलहदा अलहदा चीज़ें हो सक दो अलहदा अलहदा नंबर हो सकते हैं फिगर हो सकते हैं और इसी तरह ला ने भी जो है उसे इसी तरह डिफ़ाइन किया है कि टोटल इनकम क्या होगी टैक्सेबल इनकम क्या होगी तीसरा बल्कि पहले ही उस पर आप जाए ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्स का इसमें ये क्या चीज़ है क्या हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं क्या हम कोई गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके रिटर्न में हमें कोई चीज़ मिलेगी मुझे कोई उसके नतीजे में कोई बेनिफिट मिलना है टैक्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं है टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है ये एक सर्टन लेवी है जो डेफिनेट है जो जिस बंदे पे ला के मुताबिक जिस बंदे पे ट्रांजैक्शन पे इनकम पे लगती है वो उसने देनी है और इसका रिटर्न जो है वो बिल्कुल फौरी और उसके नतीजे में कोई चीज़ एक्सचेंज होना जो नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है ट्रांजैक्शन में होता है वैसे नहीं ये सिर्फ स्टेट को पे होगा एंड uh, मुमकिन है पे करने वाले को कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट मिल जाए कोई सड़क बन जाए जो उसे फ़ायदा दे दे कोई और ऐसी चीज़ हो जाए uh, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी चेंजेस हों जो उसको बेनिफिट हो जाए उसके बिज़नेस uh, को बेनिफिट हो जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हो एन मुमकिन है कि उस कंट्रीब्यूशन के नतीजे में उस पर्सन को उस ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पेयर को सिरे से भी कोई फ़ायदा ना हो दूसरा जो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो स्टेट मुहैया करती है जैसे म्यूनसिपल सर्विसेज हैं जैसे uh, पाकिस्तान में इवन बिजली भी जो है वो मोस्टली uh, जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो फिर मिक्स हो गई है डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में तो उसके नतीजे में जो चीज़ आप जो बिल पे करते हैं वो टैक्स नहीं है वो बेसिकली फी है या प्राइस है गुड्स की या सर्विसेज की जो आपको दी जाती है इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट इन दोनों को जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है बिजली आपकी जो कंजम्पशन होती है पेट्रोल पे टैक्स है लेकिन पेट्रोल ओवरऑल जो है वो एक कमोडिटी की प्राइस भी है और वो अनरेगुलेटेड किसी हद तक रेगुलेटेड बाद पार्ट उसके अन रेगुलेटेड हैं उसमें टैक्स शामिल है लेकिन सारी की सारी प्राइस में जो है वो नहीं है आप वहाँ देखते हैं आप पैसे देते हैं आपको सर्टन अमाउंट सर्टन जो क्वांटिटी मिल जाती है टैक्स में इस अंदाज़ की चीज़ नहीं है इसलिए फ़ी है आपने टोल फी फी दी आप सड़क यूज़ कर रहे हैं आप तौ, ने टोल फी दी लेकिन मुमकिन है अन सड़क जो है वो बनती हैं उन पर पैसे जो है वो टैक्स पेयर के लगे हुए हैं लेकिन बहुत उसमें जो है मेजॉरिटी जो है वो यूज़र जो है एन मुमकिन है उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही ना हो डायरेक्ट ऑन रेवेन्यूज़ में ये आज के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन कॉन्सेप्ट को जो है अगर हम कंपेयर करें जक़ात के साथ तो जक़ात में भी जो है वो हम देखें तो हमारे यहाँ ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट जो है वो दीन के फहम की कमी की वजह से वो ये भी है कि हम जस्ट अपने जो सर्टन डेट को जैसे फर्स्ट रमज़ान को हमारी जो एसेट बेस होती है हम उस पर एक सर्टन परसेंट जो यूजुअली ढाई परसेंट ही समझी जाती है टू पॉइंट फाइव परसेंट उस पर हम ज़क़त पे करते हैं ज़क़ात का हालांकि कॉन्सेप्ट इससे बहुत बड़ा सारा है ज़कवा़त में इस तरह के माल पे एसेट्स पे देने के अलावा जो है वो ट्रांजैक्शन पे प्रोडक्शन पे अर्निंग पे भी जो होता है जिसमें उशर है खम्स है और ये उशर खुम्स जो है रसोल वम के दौर में जो है ज़्यादातर चूँकि ज़रात और इस तरह के जराए थे तो उन पर था लेकिन आज इकॉनोमी जैसे कॉम्प्लिकेट कोई भी प्रोडक्शन का ज़रिया है वो बिज़नेस है वो ट्रेड ये बाकी चीज़ें हैं उसमें आप उन्हीं प्रिंसिपल्स को जो है वो आ, उनका इंतबाक करके कि जी ये फलाँ वाली चीज़ जो है ये इस प्रिंसिपल और उसकी कोरोलोरी पे जो है वो क्रिएट हो रही है इस पर पाँच परसेंट लगेगा या दस परसेंट लगेगा तो मैं ये समझता हूँ हम इस अपने लेक्चर सीरीज़ में हम इस इस कॉन्सेप्ट को भी हम सिर्फ यही नहीं करेंगे कि आज के टैक्स लॉज क्या हैं और उनके मुताबिक जो है वो एक प्रैक्टिशनर स्टूडेंट और कल का प्रैक्टिशनर उसे किस अंदाज से इसको प्रैक्टिस करेगा बल्कि साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस निज़ाम को बेहतर जो है वो अदल की बेस पे बना हुआ और दीन के प्रिंसिपल के मुताबिक बना हुआ हो जिसके साथ जो है वो लोग जो है ना सिर्फ अपनी जेब से टैक्स के नाम पे पैसे दें बल्कि साथ ही साथ उन्हें पता हो कि हम ये अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म के मुताबिक ये कॉन्ट्रीब्यूशन करके तो अपना जो अल्लाह का हुक्म है उसको भी पूरा कर रहे हैं और अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए जिस तरह अल्लाह ताला ने तुक्म दिया है उस तरह इस सारी चीज़ को लेके चलें आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना ही हम बाद में अब लॉज और टेक्निकल आस्पेक्ट्स और उनकी मुख्त बारिकियाँ जो है वो इस तरह के और लेक्चर्स में देखेंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरा आपको ये आज का लेक्चर कैसे लगा इस, त, इस तरह के इस कॉन्सेप्ट से आप किस तरह क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा ताकि हम उसी अंदाज से जो है वो जो ज़रूरत है लोगों की उसके हिसाब से अपने इस जितना अक्सर हमारा नॉलेज है उसे आपके साथ शेयर कर सकें और साथ एक जो है मुस्बत जो है मुबासा और डिबेट क्रिएट कर सकें मालैना अलबला